नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और बड़ी संख्या में इसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं। मंगलवार को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार जिले में 107 संक्रमित बीते 24 घंटे में सामने आए और चिंता वाली बात यह है कि इनमें से 33 स्कूली बच्चे हैं। इनकी उम्र 18 साल से कम है। तो इस वक्त देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है इसके साथ ही लोगों की टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर नोएडा की बात करी जाए तो इस वक्त नोएडा, गाजियाबाद समेत ऐसे कई जगह है जहां पर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर मथुरा से है जहां प्रदेश सरकार की टैबलेट स्मार्टफोन की योजना के तहत शहर में स्थित बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कैबिनेट मंत्री ने जनपद के 12 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। इस दौरान छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हमारे जितने भी टेक्निकल और जितने भी ग्रेजुएट के हमारे छात्र हैं उन सबको हम ये टैबलेट देंगे। चूँकि आज भारत पूरे विश्व में टेक्निकल लाइन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में समावेश किया था। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर का दौर जारी है। इसी कड़ी में हापुड़ के डीएम अनुज सिंह का ट्रांसफर करके उन्हें सीतापुर भेज दिया गया। सीतापुर पहुंचकर डीएम ने अपना कार्यभार संभालते हुए जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस औचक निरीक्षण में मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा भी मौजूद रहे। तो आज सबसे पहले यहाँ जिला अस्पताल का हमने निरीक्षण किया। थोड़ी साफ सफाई में सुधार यहाँ वांछित भी है, आवश्यक भी है, तो उसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए। बाकी पेशेंट का अच्छा लोड है यहाँ पे। बाहर से दवाइयाँ इत्यादि की कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पेशेंट को अच्छी सुविधा मिले और किसी को बाहर से दवाई ना लेना पड़े, उनको बैठने के लिए उचित प्रबंध हो और तमाम जो सर्जरी इत्यादि है उसकी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन कई दिनों से खराब है। हम उसको ठीक कराएंगे। कुछ यहाँ पे मशीन इत्यादि है, यहाँ पे भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन है वो कुछ। आगरा जिला जेल सहित आगरा के आसपास के जनपदों की जेलों से पैरोल पर छूटे लगभग 90 बंदी जेल में वापस नहीं लौटे, ये सभी लापता हो गए हैं। जनपदों के जेल अधीक्षकों ने इस संबंध में एसएसपी को पत्र लिखकर बंदियों को दाखिल कराने को कहा है। कोरोना काल में जिला जेल से बंदियों को पैरोल मिली थी, रिहा होने के बाद बंदी घर चले गए थे। वही पैरोल की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन लगभग 90 कैदी जेल में वापस नहीं आए। प्रभारी डीआईजी जेल वीके सिंह ने बताया कि पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में नहीं आने वाले बंदियों की तलाश की जा रही है। संबंधित जिले के एसएसपी को पत्र भी लिखा गया है, पुलिस उन्हें गिरफ्तारी करके वापस लाएगी। जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि चूंकि जेलों में बंदियों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उनको डीकंजेस्ट करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए एक निर्देश दिया गया कि ऐसे बंदी जिनको छोड़ने से समाज में अशांति होने की संभावना नहीं है या छोड़े जाने से किस प्रकार की दिक्कतें नहीं है उनको जो है एक निर्धारित अवधि के लिए छोड़े जाने के निर्देश दिए गए। जिस सभी कारागारों में जो उस जो पात्रता की श्रेणी में आते थे उन बंदियों को कारागारों से रिहा किया गया। खबर लखनऊ से है जहां पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर की गई पुलिस की कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज से टेढ़ी पुलिया के बीच हुई फायरिंग और बमबारी की घटना में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 17 अप्रैल 2022 को गुडम्बा की टेढ़ी पुलिया के पास से एक सूचना मिली थी
कि कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ी में थे, जो कि मड़ियाओं से होके आ रहे थे वो डंबा की तरफ, उनके ऊपर कुछ बाइक सवार लोगों ने तमंचे के द्वारा फायर किया और कुछ बम भी फेंके। इस घटना को 48 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है अमन रावत, आकाश निगम, अभय श्रीवास्तव, आदर्श तिवारी, पंकज रावत और आदित्य राजपूत। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के गुरबख्श गंज पुलिस का असली चेहरा उस वक्त सामने आया जब लगभग 27 साल पुराना ट्रैक्टर, जो बिना लाइट रजिस्ट्रेशन और बिना बीमा के धड़ल्ले से चलाया जा रहा था और उसी दौरान ट्रैक्टर में लाइट नहीं होने की वजह से पंचुगुड़िया के 6 वर्षीय मासूम पर चढ़ा दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी लाग घर घर यही थे, खाना खाए सब ठंडा पंडा पिए। हाँ। हमारी लाग पूरी कतरी गई। हाँ। कतरने के बाद एक यादव की लाग कतरी गई। हाँ। फिर लक्ष्मण की लाग कतरी गई। तो फिर इनके बोले हमारी भाइयों की ये दद्दू लाग हम भी कतर दो। तो हम सोचे कल आप ही कतरी जाइए, आज टाइम नहीं। तो कहें दद्दू नहीं कतर दो, आज जो है मौसम खराब है और दिक्कत बन जाए। पांच बंदी के लेटा था या नहीं लेटा था, बोरी के बगल में पौड़े थे, उसी जगह सब औरतें खड़ी थी। तो हम यहाँ गए, टाई लगा दिया, हम कहा उसी में लाद लो और लाद करके लद जाए कतर जाए तो डाल देंगे कोई घर में लड़का बच्चा। अच्छा, जो एक फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा जो है बोरी के ऊपर लेटा हुआ है। नहीं, बोरी के ऊपर नहीं लेटा हुआ। खबर फरुखाबाद से है, जहां पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में युवक के थाने जाने से नाराज होकर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। घायल युवक को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो खबर फरुखाबाद से है, जहां पर एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। इस दौरान दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। ऐसा ये लगा था कोई मारपीट या झगड़ा एक्सीडेंट है, वहाँ सीरियस मरीज वो अटेंडेंट उसको ले नहीं जा सकते, जिसमें कभी भी खुले होता है और हमारी हमारे यहाँ जनरल सर्जन नहीं है, तो हमारी मजबूरी है सर भाई रिफर करना। अगर जनरल सर्जन होते तो हम वेट एंड वॉच कर सकते को देख सकते, क्योंकि हमारे पास जनरल सर्जन नहीं है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो जवाबदेही हम पे या हमारे सिविलेश्वर बनती है कि आपने क्यों रखा है सिविल, इसलिए भेजना जरूरी है। भगवान करे कि वो ठीक लौटे वापस। ये 24 घंटे के लिए मैंने रेफर किया है, फिर वेल एंड गुड रहा तो हम लौट कर नहीं ला। देखिए, नवाबगंज थाना क्षेत्र में मारपीट की एक घटना की सूचना मिली और एक एक्सीडेंट भी हुआ, इसकी सूचना जानकारी मिली तो हम गश्त पे थे। एक सामान्य रूटीन में हॉस्पिटल हम चले आए, पता चला कि नवाबगंज क्षेत्र में मारपीट हुई है। हमने इन लोगों से वार्ता किया और उसमें एक आदमी को सर में चोटें लगी हैं, जिनको डॉक्टर साहब सफाई के लिए रेफर कर रहे हैं। तो इनसे वार्ता की और बाकी जो घटना हुई है उस पर जो दोषी। खबर फरुखाबाद से है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शातिर बदमाश दिन दहाड़े युवक पर हमला करते हैं और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग जाते हैं। बदमाशों को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही पुलिस का। इसी तरीके से सेक्टर 14 में भी हुआ, 6 बदमाशों ने मिलकर पहले एक युवक पर हमला कर दिया, वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मुख्य आरोपी और अन्य साथी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर जी, आज जब मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। तो मैं ऑफिस जा रहा था, फोन पे बात कर रहा था काम में, सुबह सुबह बंदा काम में ध्यान दे रहा होता है। लेकिन जब मैं 15 हेक्टर की रेड लाइट पे रुका तो दो गाड़ियां आके रुकी, दोनों का नंबर 69। मैं इसलिए जानता हूँ वो गाड़ियां किसकी हैं क्योंकि वो बंदा भी साथ में था और 3 लोग 4 लोग और थे जिन्होंने दे धनाधन गाड़ी के शीशों पे मार मार के मेरे को बाहर निकालने की कोशिश करी। ये तो थार गाड़ी थी और शीशा बुलेट प्रूफ था, तो शीशा टूटा ही नहीं। होम गार्ड भी थे, सब सीसीटीवी में आया है। दो भाई साहब उन्होंने देख लिया, विटनेस है। और ये मतलब मैं तो हाथ जोड़ के पुलिस वालों से विनती करता हूँ कि मेरे को अपनी जान का खतरा है, मैं ये रोज़ की टेंशन नहीं लेना चाहता। आप इसका
कानूनी लीगली जो भी है इसका ज़रूर फैसला करिए। मेरे सामने 1204 में सचिन सरीन रहता है। कल शाम को मेरे बेटे की उससे बहस हो गई जो मैंने रात को सुलझा दी, माफ़ीनामा करा दिया। लेकिन आज सुबह 11 बजे जब मेरा बेटा आ रहा था ऑफिस के लिए तो 15 सेक्टर की रेड लाइट पे दो गाड़ियाँ जिनका नंबर 69 था दोनों का, उन्होंने आगे पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी के टायर के आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और गाड़ी पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए कि तू बाहर निकल, तेरे को जान से मार देंगे हम। सेक्टर 14 में रहने वाले ग्रोवर सागर ग्रोवर के ऊपर हमला हुआ था सेक्टर 14-15 की रेड लाइट पे, जिनके खिलाफ दी है वो उनके पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है उनका। पहले भी 15 तारीख को झगड़ा हुआ था आपस में, जो सामाजिक रूप से समझौता हो गया था, जिसके कारण जब कंप्लेनेंट ग्रोवर अपने ऑफिस जा रहा था सुबह तो 12-15 की रेड लाइट पर जब ये रुका है तो 3-4 गाड़ी पीछे से आई है और इसके गाड़ी के आगे पत्थर लगाकर इसके चारों तरफ से इस पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे शीशा तो नहीं टूटा है लेकिन हमला करके वो हमलावर भाग गए थे, जिसके कंप्लेनेंट की दरखास्त पे FIR दर्ज की गई है जिसकी तब्दील सभी। उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक युवती के साथ रायबरेली के एक युवक ने शादी की और कुछ दिन बाद युवक ने धोखाधड़ी करते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद पीड़ित ने बयान देते हुए कहा कि मेरे पास जो भी शादी के कागज और जेवर थे वो सब अपने साथ ले गया और अब उसने मेरे सारे नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए, मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने फेसबुक के जरिए उसके घर वालों का पता लगाया तो पता चला कि उसने 11 अप्रैल को दूसरी सगाई कर ली है। उसके बाद मैं पुलिस कप्तान ऑफिस आई हूँ, यहाँ पर मेरी दस्तखत ले ली गई है और कहा गया है कि कार्रवाई होगी और आश्वासन देकर मुझे वापस भेज दिया गया। खबर बल्लभगढ़ के हरी विहार से है, जहां किराए पर रह रहे 45 साल के युवक की अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है और जल्दी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये रात का मामला है और एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जिसने पिंकू को चक्कू गोद के हत्या की है और ये नहीं पता अभी कौन था, तो उसके लिए अभी तफ्तीश जारी है। जिसके भाई प्रेम के एप्लीकेशन पर FIR दर्ज कर दी है और गहनता से जांच की जा रही है। कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव में एक परिवार तिलक समारोह से वापस कुशीनगर लौट रहा था। उसी वक्त रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के आगरा रोड स्थित एक बार में नशे की हालत में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी, वहीं फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं CO प्रथम राघवेंद्र सिंह के अनुसार इस घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने भाई का मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ना लड़ाई वाली बात, तो एक लड़का आया तो मतलब यहाँ पे उसने ऐसी बात छोड़ दी थी, तो हम लोगों ने कोई बात नहीं, हमने फिर भी उससे ये मेरा गले मिलके मैंने कि चलो कोई बात नहीं, सब भाई भाई हैं ऐसा हो जाता है। उसने क्या किया कि पहला स्ट्रेट फायर मारा उसी में ही। जैतपुर के पाठमाऊ गांव में नहर किनारे एक युवक के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई।
आपको बता दें कि दबंगों ने मृतक का धारदार हथियार से हत्या करके उसे नदी में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अपराधी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वहीं मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये पूरी खबर हम आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां नहर किनारे एक युवक का शव मिला है। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन करने के लिए बहुत गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और मृतक की जो है वो पहचान भी कर ली गई है। ये जगतपाल हैं, जो बख्शी का तालाब लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके परिवार को सूचना दी जा रही है और इस घटना में जो भी शामिल व्यक्ति हैं, जो प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ लीड्स मिली हैं, उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और तीन टीमों का गठन करके जल्द ही इस घटना के पीछे जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के मंजूरगढ़ी में पुराने विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने घटना की शिकायत नजदीकी थाने में करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मारने की वजह कुछ नहीं है सर। रात तकरीबन 14 तारीख को मैं आया था नोएडा से, रात 9 बजे तकरीबन 15 से 20 लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे मारा, बेहिसाब करके मारा है मुझे। देखो इसमें मुझे काफ़ी चोटें आई हैं और बहुत ज़्यादा पुलिस में कंप्लेन करी, कंप्लेंट की है, उन लोगों ने पैसे भर दिए हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चार दिन से भाग रहा हूँ। आज तो मेरी आके FIR दर्ज हुई है। मेरे साथ उनकी, मेरा पहला बड़ा बच्चा मारा, अकेला खेल लिया 9 बजे, ठीक है। मेरा छोटा बच्चा आया मुझे बचाने बताने के लिए, हम बच के गए। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे को मत मारो, छोड़ दो, तो मेरा दूसरा वाला भी खींच लिया, तो मेरे हाथ में पैर मारा, मेरा हाथ तोड़ के मुझे गिरा दिया। किसने मारा? ऋतिक ने, जैक्सन की लड़की ने। पता ही नहीं चलती है, मैच के चक्कर में बच्चों में लड़ाई हो गई पहले, वो भी खुद से चली आ रही है बस, और कुछ बात नहीं। आपने पुलिस में कंप्लेन करी? किया, पहले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, पहले भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।